राजेश जी इलेक्ट्रॉनिक्स क्रू में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कल का सेशन में हमने देखा था कि सर्किट्स जो है वो सर्किट कैसे ऑपरेट किया जाता है, अलग अलग कंपोनेंट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो जैसे कि हम रिमोट से वो सर्किट को ऑपरेट करते हैं, तो ये जो इंफ्रारेड सिग्नल जो है, ये सिग्नल किस तरह से रिसीवर में जाते हैं, यानी कि फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर, ये दोनों को हम आज देखेंगे। और एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन कैसा होता है और वो स्विचिंग कैसे करता है। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो डायोड, ये रिमोट के जो सिग्नल आते हैं, ये आते हैं फोटो डायोड की तरफ। तो इसमें जो स्विचिंग होता है, वो स्विचिंग होता है ट्रांजिस्टर के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, बेस, कलेक्टर और इमेज। ये ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दूसरा पीएनपी। ऐसे दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, तो ये यूज किया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ से आने वाले सिग्नल जो है, वो सिग्नल आते हैं यानी कि यहाँ ग्राउंड है, यानी कि जीरो वोल्ट है, और यहाँ पे जो है ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल, और ये इनपुट सिग्नल। तो ट्रांजिस्टर में जो सिग्नल आते हैं वो इनपुट सिग्नल, और यहाँ से ये आउटपुट सिग्नल, इनपुट और आउटपुट। यहाँ जीरो वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे स्विचिंग का काम किया जाता है। जैसे कि हम रिमोट से ऑपरेट कर देते हैं, तो यहाँ स्विचिंग होता है। स्विचिंग होने के बाद फिर ये सिग्नल जो है, वो सिग्नल रिसीव करने के लिए, यानी कि ये जो है, यहाँ से ये सिग्नल जाएंगे प्रोसेस के लिए, यानी कि कंट्रोल आईसी जो है, आईसी के ऊपर ये सिग्नल जाएंगे। ये रिमोट से ये सिग्नल यहाँ फोटो डायोड की तरफ आ रहे हैं। तो फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर क्या कर रहे हैं, उस सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने के बाद ये आते हैं माइक्रो कंट्रोल आईसी के अंदर। माइक्रो कंट्रोल आईसी जो है, वो आईसी स्टार्ट होती है और बाकी सेक्शन को वो ऑपरेट करती है। तो यहाँ जो सेक्शन लगे हुए, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ स्विचिंग हो रहा है, यहाँ भी स्विचिंग हो रहा है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग के लिए ये सिस्टम को यूज किया जाता है। तो मेन यहाँ पे ये स्विचिंग कैसे होता है, स्विचिंग जो हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ये स्विचिंग हो रहा है, और उसे ऑपरेट कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं, ये फोटो डायोड जो है, फोटो डायोड यानी कि रिमोट के अंदर जो फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने उसे कमांड देते हैं, कमांड देने के बाद वो फंक्शन ऑपरेट होता है। ऑपरेट होने के बाद यहाँ पे यानी कि फोटो ट्रांजिस्टर की तरफ चला जाता है, और वो माइक्रो कंट्रोल आईसी को एक कमांड दे देता है। फिर माइक्रो कंट्रोल आईसी के साथ जुड़े हुए जितने भी डिवाइस है, वो डिवाइस ऑपरेट किए जाते हैं। तो इस तरह से ही वर्क करता है। तो ट्रांजिस्टर का मेन वर्किंग जो है, एम्प्लीफिकेशन करना, स्विचिंग करना। तो यहाँ पे एक स्विचिंग कर रहा है ट्रांजिस्टर, यानी कि यहाँ जीरो सिग्नल, यानी कि ये ग्राउंड हो रहा है। यहाँ से आने वाले सिग्नल जो है, ये आउटपुट सिग्नल और ये इनपुट सिग्नल। नॉर्मली हम रजिस्टर के थ्रू, जैसे कि यहाँ एक स्विच लगा दिया, ये स्विच को हम यहाँ से ग्राउंड कर दिए, यानी कि यहाँ जीरो वोल्ट है, ये भी यहाँ पे ये ग्राउंड है। तो जब ये स्विच ओपन है, यानी कि ओपन स्थिति में, और यहाँ से इनपुट सप्लाई आ रहा है, ये इनपुट सप्लाई जो है, ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। फिर यहाँ से ये आउट हो जाएगा जब ये ट्रिगर करेगा, यानी कि यहाँ से जो निगेटिव सप्लाई, यानी कि जीरो वोल्ट है, यहाँ से आने वाला जो सिग्नल है, ये सिग्नल या ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड होते ही वो फंक्शन को ऑपरेट किया जाएगा। तो ये स्विच का काम जो है, वो स्विच का काम ट्रांजिस्टर कर रहा है।
तो ट्रांजिस्टर के अंदर जैसे बेस कलेक्टर और इमिटर ये तीन टर्मिनल्स होते, ये तीनों टर्मिनल्स जो है अपना अपना काम करते हैं। बेस यानी कि ये कंट्रोलिंग का काम करता है यानी कि नियंत्रण रखने का काम करता है, और कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करने का काम करता है, इमिटर इमिट करने का काम करता है। जैसे कि कलेक्ट किया हुआ जो भी सप्लाई या फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ जो कलेक्ट किया हुआ है वहाँ से ये आउटपुट कर देता है। सबसे ज़्यादा वोल्टेज हमें मिलेगा कलेक्टर के ऊपर, फ्रिक्वेंसी रहेगी या तो वोल्टेज रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमें ये आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई या फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो इस तरह से ये वर्किंग किया जाता है। रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये इनपुट रजिस्टर हो गया और ये यहाँ से आउटपुट रजिस्टर हो गया। यहाँ से जैसे कि हमने बेस और कलेक्टर इनके बीच में और एक रजिस्टर लगा दिया तो इसे बोलते हैं बाइसिंग। यहाँ पे हमने क्या किया है, उसे बाइसिंग किया रजिस्टर के थ्रू। रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं, कैपेसिटर के थ्रू बाइसिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ही बाइसिंग करते हैं बेस और कलेक्टर के बीच में, या तो बेस टू इमिटर के बीच में उसे बाइसिंग किया जाता है। यानी कि एम्प्लीफिकेशन जो हो रहा है वो एम्प्लीफिकेशन परफेक्टली होना चाहिए, इसलिए उसे बाइसिंग के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से फोटोडायोड, फोटो ट्रांजिस्टर और ये जो सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं वो सिग्नल आ रहे फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर। फोटो ट्रांजिस्टर जो सिग्नल लेके आ रहे हैं वो माइक्रो कंट्रोल के ऊपर दे रहा है। माइक्रो कंट्रोल के ऊपर जितने भी डिवाइस लगे हुए, फॉर एग्जांपल जैसे कंप्रेसर हो गया या टीवी हो गया, वट एवर जैसे जैसे चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, वैसे वो ऑपरेट करने का काम यहाँ से करता है। तो मेन जो है वो स्विचिंग करता है ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, इस तरह से ये वर्क करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मली सर्किट्स देखते हैं जैसे सीरीज सर्किट हो गया, पैरेलल सर्किट हो गया। तो सीरीज सर्किट में जैसे एक रजिस्टर यूज किया, उसके बाद सेकंड रजिस्टर यूज किया R1 R2, सूची और यहाँ पे सप्लाई प्लस और माइनस। जैसे कि ये स्विच ऑन हो जाता है तो R1 को ये सप्लाई मिलता है, फिर आता है R2 की जगह पे। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है, DC सप्लाई, यहाँ से ये स्विच कर रहे हैं। स्विच करने के बाद यहाँ सप्लाई मिल रहा है 5 वोल्ट। फिर रजिस्टर का जो भी वैल्यू रहता है वो वैल्यू से वो क्या करेगा, रजिस्टर का वैल्यू के अनुसार ये वोल्टेज को कम करेगा। यानी कि ये टर्मिनल के ऊपर ये वोल्टेज जो है, वोल्टेज मिलेगा हमें 4.5 वोल्टेज मिलेगा, और ये जो है ये ग्राउंड हो जाएगा। यानी कि रजिस्टर वर्क क्या कर रहा है, यानी कि वो कोई भी सप्लाई में रुकावट का काम कर रहा है, विरोध करता है या अवरोध करता है। यानी कि यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है वो सप्लाई को वो डिस्टर्ब कर रहा है, 4.5 वोल्टेज बना रहा है। तो आए समझ में, ये सीरीज सर्किट आपको सब अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और अच्छी तरह से ध्यान देना हर एक सर्किट्स के ऊपर। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।